नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो 10वीं बोर्ड राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड है, 10वीं में जो भी छात्र है सभी का रिजल्ट अभी 5 बजे जारी होने वाला है और आप लोग रिजल्ट कैसे लाइव देख सकते हैं सभी चर्चा इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि ओरिजिनल साइट नहीं चलती है तो आप किसके द्वारा रिजल्ट निकाले, ये सभी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट तो देखा जाए दोस्तों, ये आपके पास यहाँ शो हो रही है, मैंने अंडरलाइन कर दी है और ये अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको BSER सर्च करना है गूगल पे और सर्च करने के बाद में ऊपर वाली वेबसाइट है, वहीं ओरिजिनल वेबसाइट है, उसको ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और उसके बाद में आपको मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना है और मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद नया पेज ओपन होगा और फिलहाल जैसे मैंने क्लिक कर दिया है तो नया पेज ओपन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी क्या रिजल्ट अपलोड हो रहा होगा इस टाइम, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है तो साइट कुछ इस प्रकार से बिजी चल रही है। तो हो सकता है रिजल्ट निकालते वक्त भी साइट नहीं चले, तो आप लोग रिजल्ट कैसे निकालोगे वो तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है 12वीं बोर्ड का दिया हुआ है पूरा, 20 मई को जितना भी रिजल्ट आया था सभी यहाँ दिया हुआ है, 10वीं बोर्ड का नहीं दिया हुआ है क्योंकि 10वीं का भी 5 बजे यहाँ पर लिंक आ जाएगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे अपना रोल नंबर डाल के रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि यह साइट ओपन नहीं होती है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंडिया रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही इंडिया रिजल्ट आप लोग सर्च करोगे नीचे आना, राजस्थान पे क्लिक कर लेना। जैसे हम राजस्थान पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, राजस्थान 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 विल डिक्लेयर टूडे, ये लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली जिस टाइम रिजल्ट आएगा। जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा उसके बाद में जिस पे क्लिक करके हमें क्या करना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऐड खुल गया, चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। राजस्थान पे आपको क्लिक करना है, फिर से बता रहा हूँ, और जैसे ही ये आपको क्या करना है कि 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 पे भी डिक्लेयर टूडे पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो लिंक है वो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नाउ अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर नाउ अवेलेबल दिखाई दे रहा है कि 12वीं बोर्ड का साइंस का वगैरह का रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 10वीं का भी नाउ अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि आपका कुछ इसमें यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे टॉप पर दिया हुआ होगा दोस्तों, राजस्थान 10वीं रिजल्ट 2024, ये आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपको क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर दिखाई देंगे, सर्वर नंबर 1 और 2, अपनी इच्छा के अनुसार आप उस सर्वर पे क्लिक करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 10वीं रिजल्ट लिंक एक्टिव 5 PM यानी 5 बजे ये लिंक एक्टिव होने वाला है, तो यहाँ से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे सर्वर पर क्लिक किया जाएगा और हमारी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और उसके बाद में हम मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 प्रकार से व्यू बता दिया, किसी प्रकार से साइट बिजी हो फिर भी आप लोग अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी टाइम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।